ये है फिश फ्राई, देख लीजिए। थोड़ा सा ऊपर से मैं हर्ब दे दूंगी, बस फिश फ्राई। हेलो दोस्तों, मैं माला चटर्जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ फिश फ्राई। फिश फ्राई ये छोटी वाली फिश फ्राई है, देख लीजिए। इस तरह से मैंने इस फिश को काट के रखा है, काट के धो के और इस तरह से रखा है। अब इसे मैं इस तरह से काट लूँगी, एक मिनट। अब इसको मैं इस तरह से मैं काट लूंगी सारे को। शर्मा जी खाना नहीं बना? नहीं जी, चल। अच्छा अब ये देखिए, ये मेरा है बटर। अब इसमें मैं ये दूंगी लहसुन, गोल मिर्च दूंगी थोड़ा सा, हाफ टी स्पून गोल मिर्च, हर्ब थोड़ा सा हर्ब दूंगी, नमक, करके इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसको इसके अंदर मैरिनेशन करके रख देना है। के ब्रश ठीक नहीं हो रहा है, मैं हाथ से ही कर दे रही हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा भर देना है और तेल भी कर देना है। अब इसको थोड़ा सा मैरिनेशन के लिए रख देना है। अब थोड़ा रख देना है 10 मिनट के लिए, इसको ढक करके 10 मिनट के लिए रख दूंगी। ये देख लीजिए, मैंने अभी गैस ऑन कर रही हूँ, मेरा लाइटर काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों मैंने छोड़ दिया।
अब इसमें मैं बटर दूंगी। बटर देने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें नमक भी दूंगी, बहुत थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, तब ये बटर इसमें उड़ जाएगा ना, इसीलिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसके संग जाएगा। अब मैं इसको ठीक से रख दूंगी। जाए तो थोड़ी देर बाद आएंगे। थोड़ा सा मैं पानी ऑयल लूंगी, बहुत अच्छा हल्का खुशबू आ रही है। हो जाए तो मैं ये देखिए हो गया है, ये देखिए फिश फ्राई। ओके फिश फ्राई।